assalamu alaikum students i hope that all of you are hale and hearty today i'll deliver lecture of english of class 9 of unit number 12 three days to see dekhne ke liye students in previous video i have told you the brief summary of this lesson three days to see the whole story revolves around the main character helen keller and today we will translate the story into urdu Now look at the very first paragraph on page number 124. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. बाजुकात मैं सोचती हूँ कि एक शानदार असूल होगा कि हर दिन इस तरह गुजारा जाए जैसे हमने कल मर जाना है. Such an attitude वुड एम्फेसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ इस तरह के रवैये से ज़िंदगी की इकदार को बहुत अहमियत मिलेगी वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस विगर एंड अकीनेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज ऑफन लॉस्ड वन टाइम स्ट्रैच बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथस एंड यर्स टू कम हमें हर दिन नरम हुई जोश जज्बा और सिला व सतश के जोको शोक में गुजारना चाहिए जो अक्सर इस वक्त हो जाता है जब हमारे सामने आने वाले अयाम महीनों और सालों की सूरत में वक्त का मुस्तकिल तस्वर कायम हो जाता है देर आर दोज ऑफकोर्स वी हु वुड एडोप्ट एपिक्यूरन मोटो ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी यकीन ऐसे लोग भी हैं जो ऐश पसंदी के मकूले खाओ पियो और मोजें उड़ाओ को अपनाएंगे बट मोस्ट पीपल वुड भी चैसेंट बाई द सर्टेनटी ऑफ एम्पेंडिंग डेथ लेकिन ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से समर भी जाएंगे now students move to first block question how can you relate the underlined phrase with this paragraph this underlined phrase eat drink and be merry student we can say that the underlined phrase uh, eat drink and be merry means to live each moment in happiness and merry making this phrase has no relation with the paragraph because helen keller was a very sensitive lady no doubt we should live with vigor and keenness but we should be moderate as well now move to paragraph number 2 in stories the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune कहानियों में तबाही के किनारे पर खड़ा हीरो आखिरी लम्हे पर खुशकिस्मती से बच जाता है बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ चेंज लेकिन तकरीबन हमेशा उसका एहसास इकदार तब्दील हो जाता है ही बिकम्स मोर एप्रिशिव ऑफ़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स पर्मांट स्परिचुअल वैल्यूज़ वो ज़िंदगी के मानों और इसके मुस्तकिल रूहानी इकदार का ज़्यादा कदरदान हो जाता है इट हैज़ ओफन बीन नोटिड डैड दोज हु लिव और हैव लिवड इन द शेडो ऑफ डेथ ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरी थिंग दे डू ये अक्सर देखा गया है कि वो जो मौत के साए तले रहते हैं या रह चुके हैं वो अपने हर काम में एक खुशगवार खूबसूरती ले आते हैं पैराग्राफ नंबर थ्री पर हैप्स आई कैन बेस्ट एलस्ट्रेट बाई इमेजनिंग वट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन दूज़ ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट थ्री डेज़ फ़र्ज करें अगर मुझे सिर्फ़ तीन दिनों के लिए अपनी आँखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए तो शायद मैं बेहतरीन तौर पर यह तस्वर करते हुए वजाहत कर सकूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा देखना क्या पसंद करूँगी ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द पीपल हुज़ काइंडनेस जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग पहले दिन मुझे उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए या मिलना चाहिए जिनकी रहमदिली शराफत और दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया वर्थ काबिल बनाना नाउ स्टूडेंट मूव टू पैराग्राफ नंबर फाइव द नेक्स्ट डे द सेकेंड डे ऑफ माई साइट अगले रोज़ बसारत के दूसरे दिन आई शुड अरज़ विद द डान एंड सी द थ्रिलिंग मैरिकल बाई विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन टू डे मुझे तुलूहे सुबह के साथ जागना चाहिए और वह पुरजोश मोजा देखना चाहिए जो कि रात को दिन में तब्दील कर देता है ट्रांसफॉर्म तब्दील करना आई शुड बी होल्ड विद अ द मैग्नीफिसेंट पेनोरामा ऑफ लाइफ विद विच दन द स्लीपिंग अर्थ मुझे ज़िंदगी का वो शानदार मंजर जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है खौफ के साथ देखना चाहिए magnificent panorama shandar manzar now move to uh, second block question why is the arising of sun so special for the author arising of the sun is so special for the author because it gives a new hope and life to dejected fellows guys move to page number 125 here is third block question what does the revelation of beauty mean to her? the answer is revelation of beauty means to have glimpse of beauty which is apparent for a person who has sight as well as insight. look at the fourth block question. why has she no time to waste in longings? longings kahishat ya tamannay. we can say that she has no time to waste in regret for longing because the three days have given to her a lot of revelations. she is an optimistic woman. that's why she has no time to waste in longings. students turn over the page. here is fifth block question. what is the meaning of underlined phrases? thrilling and unending drama. Purjosh or Na Khatam Drama. The author feels the change of season like stimulating and continuous drama. It continues with the change of spring into autumn and autumn into spring. She feels all this with the touch of her hands. Now, look at the last block question. Explain the difference between facilities and opportunities. Students, Facilities are such buildings, services, or equipments etc. that are provided for a particular purpose. Opportunities are time when a particular situation make it possible to do or achieve something. Now, students, I have told you the answer of the blog question. Your today's task is to learn the answer of all these blog questions. I hope you will complete your task which i have assigned you now we will meet in next video till then allah hafiz